आपके नमस्ते, मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, मुझसे पूछे जाने वाले सवालों के जवाब में ही मैं वीडियोस बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि कुछ सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, मैं एक व्यक्ति को जवाब देती हूँ और वही वही सवाल मुझसे बार बार ना पूछे जाए, इसीलिए उसको वीडियो के माध्यम से मैं उसको रूपांतरित करके अपने चैनल पर रख देती हूँ। और जब भी मुझसे वही प्रश्न दोबारा से पूछा जाता है तो मैं ये वीडियो का लिंक उनके साथ शेयर करती हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं भगवान शालिग्राम के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले ही आज पता नहीं कैसा संयोग बना, एकदम से तीन महिलाओं ने मुझे फ़ोन करके एक ही चीज़ पूछी कि क्या मैम, हमारे घर में शालिग्राम जी स्थापित हैं और किसी वजह से हमारे पति उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, मंदिर की सेवा नहीं कर पाते, बहुत व्यस्त रहते हैं, तो उनकी ठीक से सेवा नहीं हो पा रही है, तो क्या उस वजह से क्या हम शालिग्राम जी की सेवा कर सकते हैं, आप प्लीज़ हमें बताइए। तो मैंने उन्हें जो बताया वही मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूं कि शालिग्राम जी कौन है। भगवान विष्णु का ही ये अवतरण है शालिग्राम जी। पुराणों के हिसाब से एक ऐसी कथा है कि भगवान विष्णु और कुछ देवताओं द्वारा कुछ ऐसा कार्य हो गया था जिससे माँ भगवती बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को श्रापित किया था कि आप जो है पृथ्वी पर शिला के रूप में आप अवतरित होंगे। फिर इसी श्राप की वजह से जब देवताओं और राक्षसों में जो है जब युद्ध हो रहा था, तो एक जो जिनकी कथा हम बचपन से सुन सुन के बड़े हुए हैं, भगवान जो मैया तुलसी के जो पति थे शंखचूड़, है ना, तो उनको वरदान था कि उन्हें कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि जब तक उनकी पत्नी का पतिव्रत धर्म रहेगा तब तक उनका कोई वध नहीं कर सकता है। इस वजह से भगवान उन्हें पराजित नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पत्नी वृंदा का इतना पतिव्रत धर्म था। तो फिर भगवान नारायण धर्म की रक्षा के लिए शंखचूड़ का रूप धारण कर लेते हैं और माँ तुलसी के पास यानी वृंदा के पास पहुँच जाते हैं और वो उन्हें अपने पति के रूप में देखती है, क्योंकि वो रूपांतरित हुए होते हैं, और उन्हें स्पर्श कर लेती है। तो पराए पुरुष को स्पर्श करने की वजह से उनका जो पतिव्रत धर्म है वो खंडित हो जाता है और इस तरह से शंखचूड़ का वध हो जाता है। जब ये माता वृंदा को पता चलता है तो वो बहुत क्रोधित हो जाती है, बहुत नाराज़ होती है और वो भगवान विष्णु से ये कहती है कि हे श्री हरि नारायण, आपका हृदय है ना पत्थर का है, आपने मेरे साथ ऐसी लीला रची तो आप पत्थर के बन जाइए। उनके मुंह से भी ये निकल जाता है। तो उस वक्त भगवान शिव प्रकट होते हैं और वृंदा को शांत करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हे वृंदा, आप ये कलयुग में आप गंडकी नदी बन जाओगी, आपका शरीर जो है वो गंडकी नदी बन जाएगा और आपके जो केस है वो तुलसी के पौधे में रूपांतरित हो जाएंगे। और भगवान नारायण जो है शालिग्राम के रूप में गंडकी नदी में ही प्राप्त होते, जो कि नेपाल में है, और माँ के जो बाल थे वो तुलसी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। भगवान शिव जी के मार्गदर्शन से ये होता है, इसीलिए जो शालिग्राम भगवान है वो गंडकी नदी नेपाल में पाए जाते हैं। तो ये थी इसकी पूरी कथा, इसीलिए हम शालिग्राम जी को तुलसी के साथ रखते हैं। तो अब ये तो हो गई कथा जो मैंने आप लोगों को बताई, शालिग्राम जी का प्राकट्य कैसे हुआ। तो अब शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि ना शालिग्राम को खरीदना चाहिए ना बेचना चाहिए। जी हाँ, इससे बहुत घोर पाप लगता है, इसीलिए कोई भी दुकानदार शालिग्राम को अगर बेच रहा है तो बहुत बड़ा पाप है, और अगर आप भी खरीद रहे हैं तो बहुत पाप है। इसके लिए पैसे ऐसे बोलते हैं कि जितने आपके मन में आ जाए आप रख के चले जाइए और शालिग्राम जी ले जाइए, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर आपको शालिग्राम जी प्राप्त करने हैं तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आपको आपके घर के ब्राह्मण से विज्ञप्ति करके, उनके आग्रह करके, उनसे अगर आपको प्राप्त हो जाते हैं, अगर कोई आपको दान में शालिग्राम जी दे देते तो बहुत अति उत्तम होता है।
तो या तो आप किसी से मांग के ले सकते हैं, या आपके कोई परिचित अगर नेपाल जा रहे हैं, गंडकी नदी जाने वाले हैं, तो आप उनसे कह के अपने लिए शालिग्राम मंगवा सकते हैं। उस नदी में ही मिलते हैं भगवान। तो शालिग्राम जी कैसे होने चाहिए, मुझे उन्होंने ये भी पूछा। तो शालिग्राम जी एकदम चिकने होने चाहिए, खुरदुरे शालिग्राम जी को कभी भी अपने घर में स्थापन नहीं करना चाहिए। अब शालिग्राम जी सफ़ेद भी मिलते हैं और काले भी मिलते हैं, लेकिन महत्व तो काले शालिग्राम जी का है जो श्याम वर्ण है, इसीलिए एकदम चिकने और काले रंग के होने चाहिए। और साइज़ क्या होनी चाहिए, तो बहुत बड़े शालिग्राम जी नहीं, जितने शालिग्राम जी छोटे होते हैं उतने आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि शालिग्राम जी का जो साइज़ है वो एक आंवले के, जो हमारा आंवले का फल होता है, उतना हो तो बहुत उत्तम फल आपको प्राप्त होते हैं। अब जिनके घर में शालिग्राम जी विराजमान है, स्थापित है उनके पूर्वजों द्वारा, अब उनके घर में सेवा कैसे होती है। शालिग्राम जी को रोज़ पंचामृत से स्नान कराया जाता है, धूप दीप नैवेद्य सात्विक भोग उन्हें लगाया जाता है, उन्हें पुष्प और शालिग्राम के ऊपर चंदन लगा के उस पर एक तुलसी का पत्र रखा जाता है। अब शास्त्रों में ये बड़ा संकोच भी है लोगों को कि स्त्रियाँ शालिग्राम जी का स्पर्श कर सकती है, जैसे कि अभी ये बहन ने मुझे फ़ोन किया था। तो देखिए, अगर आपके घर में शालिग्राम जी पहले से, आपके दादा परदादा सास ससुर के ज़माने से अगर विराजमान है और उनके ज़माने में उनकी सेवा हुआ करती थी, और अभी आज के इस व्यस्तता के वजह से अगर आपके पति उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से सेवा नहीं हो रही है, तो भी ये आपके लिए बहुत संकट का कारण बन सकता है। इसीलिए अगर एक पतिव्रत स्त्री ज़रूर शालिग्राम को स्पर्श करके, उनको नहला दुला के, उनकी सेवा करके, उनको भोग प्रसाद आदि कर सकती हैं। पतिव्रत स्त्री यानी जो गृहस्थ धर्म में है, है ना, ऐसी स्त्रियां, मतलब आपके घर की परंपरा है, आप उस घर की बहू हैं और आपके मन में कोई पाप नहीं है, कोई छल नहीं है, आप पतिव्रत है, तो फिर आप ज़रूर जो है शालिग्राम जी का स्पर्श कर सकते हैं। वैसे निषेध है उन स्त्रियों के लिए जो मन से सही नहीं है, ऐसे लोगों को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। और दूसरा मुझसे सवाल पूछा गया कि माँ, अगर गलती से शालिग्राम जी खंडित हो जाते तो क्या हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल, शालिग्राम जी के लिए कोई दोष नहीं माना गया है जहाँ तक मेरा ज्ञान है। अगर मुझसे सुनने वाले लोग, किसी को अगर ये मेरी बात गलत लग रही है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, लेकिन जहाँ तक मैंने जाना है खंडित शालिग्राम जी की भी पूजा होती है, इसका कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि शालिग्राम जी बार बार बदले नहीं जाते हैं। और शालिग्राम जी को अगर आप अपने घर में स्थापित कैसे करें, देखिए शालिग्राम जी स्वयं सिद्ध है, इसलिए उन्हें सिद्ध करने की, प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने घर में कौन से दिन शालिग्राम जी को ला सकते हैं, तो एकादशी सबसे उत्तम है, सोमवार, और आप गुरुवार के दिन अपने घर में शालिग्राम को लेकर आ सकते हैं और उनको पंचामृत से स्नान करा के शंख की ध्वनि करते हुए अपने घर के मंदिर में उनकी स्थापना कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप शालिग्राम जी की स्थापना कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपके घर में सात्विकता बहुत होनी चाहिए, मांस मच्छी अगर ये सब आपके रसोई में बनता है तो आपके घर में शालिग्राम जी स्थापित नहीं हो सकते। रसोई की पवित्रता बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि रोज़ उन्हें भोग लगता है। और कहते हैं कि जहाँ जिस घर में शालिग्राम जी की पूजा होती है वहाँ पे माँ लक्ष्मी सदैव वास करती है, उस घर में घोर दरिद्रता कभी भी स्थान नहीं बना पाती है, उस घर में उन्नति ही उन्नति होती है। लेकिन आपको बहुत सारे ये जो मैंने नियम बताए इनका पालन करना होता है, और बहुत नियम निष्ठा से अगर आप शालिग्राम जी की सेवा कर सकते हैं तो ही इसे अपने घर में स्थापित कीजिए। सिर्फ इसे एक फैशन बना के, फैशन के तौर पे कि सबके घर में शालिग्राम जी है तो मैं अपने भी घर में ला लूँ, ऐसी चेष्टा ना करिए। अगर आपके कुल में परंपरा है तो ही आप इन्हें अपने घर में लाइए, या आपके घर में ऑलरेडी स्थापित है तो इनकी निष्ठा से सेवा करेंगे तो आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएंगे। लेकिन ये आपके कुल में है लेकिन आप सही से इनकी सेवा नहीं कर पा रहे तो भी आपको बहुत कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए बहुत सावधानी के साथ जो है शालिग्राम जी को आपको अपने घर में लाने का, या आपके घर में है तो बहुत सावधानीपूर्वक उनकी जो है पूजा आराधना आपको करनी चाहिए।
तो ये थी थोड़ी सी जानकारी जितना मैं जानती थी, जो उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा तो मैंने उसका जवाब दिया, और यही मैंने इसको इस वीडियो के माध्यम में रूपांतरित कर दिया, ताकि और भी किसी को अगर ऐसी शंका होगी तो वो इस मेरे वीडियो के माध्यम से इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। आत्म नमस्ते।